गजरोला शहर व ग्रामीण इलाकों में बुखार व डायरिया के मरीजों की बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संख्या, चिकित्सक अधीक्षक ने दी जानकारी। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी मात्रा में बुखार व अन्य मरीज दवाई लेने के लिए आए। बता दें कि दिन प्रतिदिन मौसम के परिवर्तन के चलते बुखार, डेंगू, मलेरिया आदि की बीमारियां लोगों में पनप रही हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उमड़ी भीड़। डॉक्टर साहब, मौसम का परिवर्तन है, बुखार के मरीज और अन्य काफ़ी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्यों संख्या बढ़ रही है इनकी? मौसम बदल रहा है तो इसमें बच्चों में निमोनिया, डायरिया, बड़ों में भी जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और गांव में भी हमने आशा के माध्यम से घर घर सर्वे भी चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित हो या लंबे समय से खांसी हो तो CHC पे आकर उसकी जांच करवाएं और बुखार की जो भी व्यक्ति मिलता है उसकी डेंगू की जांच और मलेरिया की जांच करवाएं। डेंगू से बचाव के लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं अपने यहाँ? सबसे अच्छा तरीका है डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग। हम सबको सलाह ये दे रहे हैं कि व्यक्ति रात में जब सोए तो मच्छरदानी का उपयोग करे और कहीं पर भी जैसे छतों में या कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो डेंगू मच्छर है होता है वो साफ पानी में उसकी वो पनपता है, इसलिए कहीं पर भी छतों में से घरों में पानी इकट्ठा होता है या टायर में पानी इकट्ठा होता है तो इकट्ठा ना होने दें। संडे को ड्राई डे के रूप में मनाया जा रहा है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा है तो उसको साफ करना, कूलर में पानी इकट्ठा है तो उसको साफ करना है ना, और पूरी आसानी के कप